देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं और इसको बनाना बहुत जरूरी है, इसमें से आपके एग्जाम में आता ही है। कह रहा है ऐसे दो संख्याएं आती हैं जिनका योगफल 24 हो जाए और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, है ना। तो देखिए 24 को ऐसे दो भाग में करना है कि इसको जोड़ने पे 24 आ जाए लेकिन गुना करने पे उच्चतम हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है, हम लोग 2 और 22 भी ले सकते हैं। देखो जोड़ने पे 24 आ जाएगा लेकिन गुना करने पे 44 होगा। आपका 3 और 21 भी हो सकता है, आपका 4 और 20 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन गुना जोड़ने पे 24 है और गुना करने पे महत्तम है, वो हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको बड़े ही ध्यान से आपको देखना होंगे तभी आप इसको बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना पहली संख्या एक्स है और दूसरी संख्या जो है आपकी 24 माइनस एक्स है। प्रश्न से संख्याओं का गुणनफल महत्तम होना चाहिए, तो संख्याओं का गुणनफल क्या है आपके पास, प्रोडक्ट पी दे देते हैं। प्रोडक्ट आपका क्या है, एक्स इंटू में 24 माइनस एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए आप चाहो तो इसे इंटू कर सकते हो, 24x और माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपका फंक्शन एक बन गया। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू जैसे निकालते थे ना उसी तरह से यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ से dp बटा में dx आ जाएगा, वह हो जाएगा 24 माइनस का 2x। देयरफोर dp बटा में dx बराबर में 0 रखेंगे। यहाँ से हम लोग पॉइंट निकालेंगे जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ना एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x का मान 12 आ गया। अब देखिए x का मान 12 गया तो x बराबर 12 पे महत्तम होगा कि न्यूनतम होगा, इसका पता लगाना होगा। तो चूंकि आपके पास dp बाई dx दिया हुआ है 24 माइनस का 2x, इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा तो पता चलेगा। अगेन है ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बना रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा -2। तो अब ये किसी भी पॉइंट पे आपका निगेटिव ही आएगा। एट एक्स इक्वल टू 12, एक्स बराबर 12 पे डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर जो होगा -2 ही होगा, जो कि 0 से छोटा है। इसलिए एक्स बराबर 12 पर फलन का मान महत्तम होगा, यानी कि गुणनफल जो है महत्तम होगा, ठीक है। x बराबर 12 पर महत्तम होगा, ठीक है, यानी कि x का मान 12 हो जाएगा। इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या आपकी 12 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या आपकी 24 माइनस एक्स थी ना, यानी कि 24 माइनस 12, यानी कि वो भी 12 आ जाएगा। 24 में से 12 घटा दीजिए, वो भी आपका आ जाएगा। देख लो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो 144 महत्तम गुणनफल होगा इन दोनों को दो भाग में करने पर, 24 को दो भाग में करने पर। चलिए अगला।